करनाल के गांव जलमाना में ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि शादी समारोह से आ रहे परिवार की ट्रैक्टर से कार टकरा गई। दुर्घटना में सत्येंद्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसको करनाल के मॉर्चरी हाउस पहुंचाया गया। बता दें कि नजफगढ़ से एक परिवार जींद के पास शादी समारोह में जा रहा था कि विदाई के बाद वापसी में जलमाना के पास ट्रैक्टर के साथ उनकी कार टकरा गई। इस हादसे में सत्येंद्र नामक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी एवं दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अमृतधारा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। इस दुर्घटना में एक हंसता खेलता परिवार शोक में डूब गया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कर नजफगढ़ की निजी कंपनी से आए कर्मचारियों को सौंप दिया गया है, जो शव को लेकर नजफगढ़ रवाना हुए। मृतक के परिजनों ने बताया कि रिश्ते में यह साढ़ू के लड़के की शादी में परिवार सहित आए हुए थे, तो वापसी में अचानक ये हादसा हो गया, जिससे एक परिवार टूट गया है एवं परिवार पर संकट छा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की मिठाई, कैसे हालात हुई? कल जो है ये बारात से लौट रहे थे, करनाल से एक शादी हुई है जो जींद बारात गई थी, वापसी विदा करा के जब ये आ रहे थे तो कल सुबह इनका जलमाना राधा स्वामी सत्संग हाल के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैक्टर वाले ने सामने से आके मारी है कार को, कार में टक्कर मारी है, और ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैक्टर वाला कोई नया ही ट्रैक्टर निकलवा के लाया है, और कुछ ज़्यादा ड्राइविंग की उसको तजर्बा नहीं था। तो वहाँ एक्सीडेंट होने से ये सतेंद्र जी जिनका एक्सीडेंट हुआ है, ये सतेंद्र जी थे, इनकी वाइफ थी, इनकी लड़की थी, एक छोटा बच्चा साथ में। सतेंद्र जी की मौके पर डेथ हो गई और इनको बड़ी मुश्किल से वहाँ गाड़ी से निकाला गया। घायल कौन कौन है? जैसा कि उन्होंने बताया, इनकी पत्नी घायल है, अमृतधारा हॉस्पिटल में दाखिल है। लड़की है, उसको भी मल्टी फ्रैक्चर है, फेस पे है, इस पे जबाड़े में है, एक कंधे पे भी, शोल्डर पे भी है, 5-4 उनको फ्रैक्चर हैं, जिसकी वजह से वो अभी होश में नहीं है। लड़के का क्या हाल है? लड़के की टांग में फ्रैक्चर है जी, टांग टूटी हुई है। ये कहाँ की फैमिली थी? ये फैमिली विकास नगर में रहती है, देवेंद्र जी के लड़के की शादी थी, नजफगढ़ की, देवेंद्र वर्मा लड़की की शादी थी। इनके साडू जो हैं सतेंद्र जी, वो नजफगढ़ से आए थे दिल्ली से, तो इस तरह इनका ये एक्सीडेंट हुआ। अब उन्होंने वो बॉडी स्पूर्द कर दी है पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इनको वहाँ भेज देंगे, अपने घर ले जाएंगे। इनकी कंपनी के कुछ चार नुमाइंदे आए हुए हैं, क्योंकि ये जो किसान मोर्चे की वजह से बंद है, ये सड़कें बंद हैं, इसी वजह से उनकी कंपनी के आदमी यहाँ आए हुए हैं, तो उनको हैंड ओवर कर देंगे और अपने घर ले जाएंगे। किस कंपनी में काम करता था, कौन लोग आए हुए हैं, कौन सी कंपनी? सापुर जी है जी, सापुर जी में, सापुर जी पालन जी, सापुर जी पालन जी, सापुर जी पालन जी, कॉलोनी पालन जी। हाँ जी, क्या काम करते हैं ये? एजीएम की पोस्ट में थे सापुर पालोजी में, और ये अब अपने बॉडी को हैंड ओवर करके ये घर ले जा रहे हैं, तो जैसे आगे भगवान की इच्छा। यार ये करनाल आ रहे थे वापस, फैमिली थी काफी इनके साथ भी, 3-4 गड्डियों में थे। जो ये एक्सीडेंट हुआ, ये सबसे आगे गड्डी चल रही थी, तो ये सत्संग ब्यास है अपना जलमाना में राधा स्वामी का। जब वहाँ पे पहुंचे तो एक ट्रैक्टर आ रहा था नया, बिल्कुल ये सलारू से खरीदा गया बताते हैं, स्पीडो जाना था उसको, तो वो वहाँ पे हुआ, तो इनके आमने सामने टक्कर हो गई। तो उस टक्कर में ये अपने सतेंद्र जी को गाड़ी से निकला, फंस गए थे तो इनको निकाला, और इनको तो अमृतधारा भेज दिया था। साथ साथ इनके साथ इनकी वाइफ थी, इनकी लड़की थी, और एक रिश्तेदार का लड़का था, तो उनको भी अमृतधारा में, वो अब वे एडमिट है अमृतधारा में। इनकी मौत हो गई। तो ट्रैक्टर वाले की गलती बताई जा रही है? ट्रैक्टर की गलती है। अच्छा, तो क्या कोई नया ड्राइवर था? नहीं नहीं, अभी पता नहीं लग रहा है ड्राइवर के बारे में। तो कितने की मौत हुई इसमें, कितने का? एक सतेंद्र जी हैं, जो सतेंद्र सिंह जी, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। 3 जने अभी सीरियस घायल, सीरियस है। हाँ, तो क्या कार्रवाई? लड़की ज्यादा सीरियस है, ट्रैक्टर वाले मुकदमा दर्ज हो गया। मामला दर्ज कर दिया? हाँ, कल मुकदमा दर्ज हो गया था, 730 नंबर मुकदमा दर्ज कर लिया, जो आगे कार्रवाई होगी कार्रवाई। डेड बॉडी सौंप दी? डेड बॉडी दे दी जी, आज पोस्टमार्टम करा के, कल ही देनी थी, पर वो किसान आंदोलन के कारण दिल्ली से इनके परिवारजन नहीं आ पाए,
तो पोस्टमार्टम इसलिए आज कराया गया। ठीक, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.